आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और मैंने आप सभी को त्रिकोणमिति का तीन पार्ट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है, और वो तीनों पार्ट में मैंने करवाया क्या है, उनको करवाया है जिनको इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर वो तीन वीडियो आप देखेंगे तो आप ईमानदारी के साथ बोलेंगे भैया एक एक चीज जो है वो पानी के तरह समझ में आ रहा है। और मैंने पहले वीडियो में बोला था, मैं यह मानकर चल रहा हूं ना कि क्लास दो के बच्चों को अपने पास बैठा कर पढ़ा रहे हैं, अगर उनको समझ में आएगा तो जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ कमजोर है अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको समझ में आएगा। तो वो तीन वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों पार्ट का लिंक दे दिया है, ये आप सीख लेना। वरना 2-3-4-5 साल से जिसका डर था ना, भैया मुझे चैप्टर आता नहीं है, समझ में नहीं आता, जो चिल्लाते हैं वो फिर सारा जिंदगी चिल्लाते रहेंगे। यही मौका है जहां पर इस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मुझे लगता है इतने बच्चों की तरह समझाया है ना कि आप सभी को समझ में आएगा। आज आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, और फोर्थ पार्ट को भी मैं समझिएगा अच्छे से, जो मैंने आपको तीन फॉर्मूला लिखाया था उसके ऊपर सारा सवाल कैसा बनता है, आगे आगे पार्ट में मैं और अच्छे से समझाऊंगा। चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखो एक बार ध्यान से, आपके पास अगर मेरा नोट्स होगा तीन क्लास का, तो पहले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताए थे भैया याद करो, मैंने बताया था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, मैंने आप सभी को बताया था ये बात, बिल्कुल बताया था। दूसरा बात भैया ये, और मैंने उस दिन ये भी बोला था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्यों है मैं समझाऊंगा आज के क्लास में। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, 1 plus tan square theta बराबर क्या होता है, sec square theta होता है, ये बताया था। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था याद करो, अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया था 1 plus cot square theta बराबर क्या होता है, cosec square theta होता है। मैंने ये आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्लास में ही जो है वो मैंने आप सभी को समझा दिया था। अब आप बोलेंगे भैया ये सब क्या करवा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो रामायण के बीच में घुसकर बोलेंगे कि ये भैया कौन है, तो समझ में नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास दो में जो पढ़ता है ना उसको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने टाइम दिया है, उसने देखा है तीनों वीडियो को। तो आज क्लास दो का बच्चा आपके बगल में खड़ा होकर बोलेगा, हंसेगा, अरे मुझे आ गया तुझे नहीं आ रहा है, तो आपको खराब लगेगा। क्यों, क्योंकि कमी आपके अंदर है, आपने बेसिक नहीं देखा है, आपने देखा नहीं है कैसे ये बनता है, तो वो देख लेना। आप भी आज बोलोगे अब समझ में आ गया, अब ये डर भाग गया भैया, अब ये डर भाग गया। और यही डर भगाने के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों है आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और उस दिन मैंने ये भी बताया था, ये चीज देख रहे हैं ना, इसको आप तोड़ सकते हैं, तो आपको मैंने बताया था इसको आप तोड़ भी सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 minus cos square theta, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो आप सभी cos square theta बराबर 1 minus sin square theta, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इस चीज को, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक चीज है बहुत, मैंने समझा दिया है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको, तो इसको आप ये बोल सकते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से आप सभी देखना, अगर tan स्क्वायर को उधर लेकर जाओ तो आप बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा, बोल सकते हैं। आप बताओ इसको बोल सकते हैं ये चीज की नहीं बोल सकते हैं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, आप करवाइए तो आगे। मैं बोलूंगा क्या बात है, अभी sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है, इसको और तोड़ेंगे तो और क्या कर सकते हैं, मान लो ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, बताना क्या है, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है।
तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको a पकड़ लिए, इसको b पकड़ लिए, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sec माइनस tan, या प्लस मान लो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर वन, ये भी बोल सकते हैं। सेम इसी चीज को, ये भी वही है, तो इसको भी इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि कैसे तोड़ सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर वन, फिर वही फॉर्म में ये दिनों जो है वो सेम ही है। अब आते हैं पहले को समझाते हैं पहले वाले पर, इस पर सवाल कैसा बनेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से आप सभी को समझना है मैं क्या बता रहा हूं। इस दोनों को तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक बार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये समझो, लाइन से समझना आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, बार बार बोल रहे हैं। मान लो आप सभी के पास दिया गया है ए, थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि आप सभी को जगह भी मिल पाए समझाने के लिए भी, हालांकि बहुत आसान है, ए साइन थीटा, ठीक है ध्यान से, प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, बराबर एक्स दिया गया है। इसको थोड़ा ब्लू पेन से लिखते हैं, ठीक है ना, ब्लू पेन से लिखते हैं, बराबर एक्स दिया गया है, ठीक है। अब आपको बोलेगा सवाल में, क्या बोलेगा सवाल में, ये बोलेगा आप सभी को कि हमें ये बताओ बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब आपको बताना है क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर आपको बोले यहीं पर एक कंसेप्ट समझना है जो कि बहुत लॉलीपॉप है, आपको बोला गया a sin theta plus b cos theta बराबर इतना है, तो b sin theta minus a cos theta बराबर क्या होगा। अच्छा आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है क्या भैया, एक चीज नजर आ रहा है चेंज, ये sin का sin है लेकिन a के जगह पर यहां पर b हो गया, ये cos का cos है लेकिन b के जगह पर भैया a हो गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर इतना दिया गया है और ये निकालने के लिए बोल दे तो करना क्या है आप सभी को, एक ये अंडर रूट लगाइएगा और ये जो आगे में है ना a स्क्वायर ये वाला b प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, जो भी निकल कर आएगा ये हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया ना, अभी एक एग्जांपल आपको और लेते हैं, उसके बाद आई थिंक आप सभी का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार तो इसको यहां पर समझिएगा, यहां पर ये चीज दिया गया था, ठीक है, अब ये चीज निकालना है, यहां पर साइन यहां पर साइन, यहां पर कॉस यहां पर कॉस, लेकिन यहां पर बी है यहां पर ए हो गया, और यहां पर ए है यहां पर बी हो गया, और ये निकालने के लिए बोला है, तो पहला काम करेंगे एक अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर सवाल समझिए, मान लो दिया गया है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा बराबर पांच दिया गया है, और आपको निकालने के लिए क्या बोल दिया, फोर साइन थीटा, ठीक है, माइनस थ्री कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब आप बोलेंगे भैया यहां पर भी साइन यहां पर भी यहां पर कॉस यहां पर साइन, तीन की जगह पर चार हो गया, चार के जगह पर तीन हो गया, प्लस माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा। अब तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे पांच का स्क्वायर, सॉल्व करिए थोड़ा, तो तीन का वर्ग कितना होता है नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, तो सोलह नौ पच्चीस, और पच्चीस में से पच्चीस गया तो जीरो बोलो या फिर जीरो बोलो, आंसर हमारा हो गया। चीज समझ में आया ये वाला, एक चीज यहीं पर एक और समझिएगा, ये चीज तो आप सभी को समझ में आ गया, ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इस चीज को। अगर इसी चीज को मैं एक चीज और लिखता हूं सेम क्वेश्चन को, देखो एक बात, क्वेश्चन बोला है आप सभी को, यहां पर दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, यहां पर बोला है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा बराबर दिया गया है पांच। अब आपको क्या बोला है थ्री कॉस थीटा
माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो दोनों सवाल में अलग क्या है आपको ये पहले देखना है, दोनों सवाल में अलग क्या है? तो कुछ अलग नहीं है भाई, आपको दिया गया था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, यहां पर साइन के जगह पर कॉस आ गया और ये 3, यहां पर कॉस के जगह पर साइन आ गया, 4 हो गया। तो एक ही बात है, बस जो है वो चेंज हो रहा है आपस में, बस चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है यहां 3 साइन की जगह पर 3 साइन नहीं उतरेगा और 4 कॉस के जगह पर 4 कॉस नहीं उतरेगा, बस आपस में चेंज होगा। और डायरेक्ट पूछ दे तो आंसर क्या बोलोगे? अंडर रूट लगा दीजिए भैया, और आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0 आंसर होगा। ये चीज समझ में आया सभी कोई को? समझ में आया? ऐसा कुछ चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में? एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए और क्लियर हो जाए। चलो नॉर्मल भाषा में बात करेंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाए। मान लो आपको बोला गया है, यहीं पर एक एग्जांपल और लीजिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इतना बराबर तो आप सभी का एक होता है, सभी को पता है। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। यहां पर दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया गया है, दिखाई दे रहा है क्या? अब आपको बोला क्या है, हमें यह बताओ भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? यह आपको निकालने के लिए बोला है, यह आपको निकालने के लिए बोला है, या फिर आप इसको कुछ भी मान सकते हो भाई। अगर आपको बोल दे ये इधर आ जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, तो थोड़ा आप सोचेंगे, थोड़ा आप सोचेंगे, बोलेंगे भैया क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। इस साइन के आगे क्या है? एक है। इस कॉस के आगे क्या है? एक है। तो यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, तो वही बात है ना, अंडर रूट लगाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहां पर ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/4, ये बीच में माइनस है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 = 8, 8 − 1 होगा आपका 7/4। इसको और अगर अंडर रूट हटाएंगे तो 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और ऊपर रूट अंडर रूट 7, तो ये भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत ये चीज समझने में? रट लेना, मैंने क्या बोला, रट लेना, मैंने क्या बोला, रट्टा मार लेना, ठीक है। अगला एक एक चीज समझाऊंगा बहुत बारीकी से। अब मान लो दो चीज और याद रखना, आप सभी याद रखना, घोल कर पी जाइए, पीना भी नहीं है, चीज समझ गए काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको बोला गया है सवाल में, एक बार देखो तो, एग्जाम का सवाल है, काफी बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अगर आपको बोले कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है, ठीक है भैया, हमको बोला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का मान क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। अब आप बोलेंगे भैया हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं होगा, जैसे घोल कर पीते हैं ना, आप पी जाना, आप डायरेक्ट बोलना 1 होगा। एग्जाम में छपा छपाया क्वेश्चन आता है, एग्जाम में छपा छपाया क्वेश्चन आता है, या फिर कभी, अभी मैं समझाऊंगा, दो क्वेश्चन रख लेना, या फिर आपको एग्जाम में बोल देगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप सभी। तो हमें यह बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा, कुछ नहीं होगा। एक समझाएंगे आप, दूसरा समझ जाना, एक ही चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यह दिया गया था, इसका पूछा था, तो आपको अगर यह चीज अच्छे से दिखाई दे रहा है, अगर यह चीज अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भैया इसको थोड़ा तोड़ा जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 − cos²θ। अगर इसको उधर लेकर जाए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये तो हमारा फॉर्मूला है,
ये तो हमारा फॉर्मूला है। अगर इस कॉस को उधर लेकर जाए, इस कॉस को उधर लेकर जाए, ये तो आप रट लेना, सवाल इसी पर बनेगा। अगर इसको उधर लेकर जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सवाल नहीं है, सवाल तो बस ये है, लेकिन ये आपको मैंने तीन चीज याद करने के लिए बोला था जो एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आता है। तब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है और सवाल के अनुसार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ रहा है, ये इतना सेम लग रहा है। यानी बोल सकते हैं कॉसेक थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसको सवाल मत पकड़ना, ये तो जान है, ये जान है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको रट लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो अगर सवाल में ये दिया गया है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, वहां पर अगर सॉल्व करते तो ये चीज कैसे निकलता, इतना बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन सवाल में ये आया है तो इसको इतना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। तो हमको ये पूछा है, ये पूछा है, इतने का मान अगर इतना आ गया तो इसके जगह पर, इसके जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है, इसका मान भी ये आ रहा है और इसका मान भी ये आ रहा है, तो दोनों तो सेम है। सवाल में ये निकालने के लिए बोला है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो सवाल में दिया है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। चलो इसको आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। ये फॉर्मूला रट लेना ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा आंखों के सामने। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब एक सवाल और समझिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, गांठ बांध लेना भाई, गांठ मतलब गांठ बांध लेना। अगर आपको बोला गया है सवाल में ये इसको तो सवाल मत समझिए, ये समझिए जान है ट्रिग्नोमेट्री का। सवाल तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब ये दिया नहीं रहेगा सवाल में कहीं पर भी, ये तो दिमाग में बैठा लेना है। अब आगे बोला है ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा बराबर एक्स होता है, ये दिया गया है, ठीक है ना। और बोला है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या है, आपका वाई है। यहां से अगर ये दिया होता और ये दिया नहीं होता तो आप निकाल लेते, मैंने आपको समझाया था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो समझाया था। लेकिन 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 अगर आपको ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। और एग्जाम में क्या पूछ देगा भैया हमसे, एग्जाम में पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी ये चीज दोनों दिया रहेगा, दोनों का मान, और इसका मतलब पूछ देगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर इनका स्क्वायर पूछ दे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी इतना बराबर इतना होगा। ये आप रट लेना, अभी मैं सवाल दिखाऊंगा, इतना बराबर इतना होगा, ये आपको रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये दिया होता और ये दिया नहीं होता तो कैसे निकालते हैं, अगर दोनों दिया है तो दोनों के स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो मैं अभी आपको सवाल भी कर दिखाऊंगा। अभी आप एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर किए हैं, इसका स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये एक्स वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो ये मैंने डायरेक्ट इसके जगह पर एक कर दिया, तो इसको इससे गुना करेंगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं इतना बराबर इतना, इसका मतलब सेम ही है,
कुछ अंतर नहीं है ना, ये चीज आपको समझना है। अब मैं थोड़ा एक सवाल आपको लेता हूं ताकि आप सवाल से भी जो है समझ पाओ इस चीज को। ये सवाल था, अब सवाल आते हैं, यहां पर मैं सवाल लेता हूं। मान लो आपको सवाल में बोला है एक चीज, हमें यह बताइए ना आप सभी कि 2 sin theta + 3 cos theta = a दिया गया है। अब आपको बोला है 2 cos theta ठीक है -3 sin theta = b दिया गया है, और आपको सवाल में निकालने के लिए बोल दिया है, ये दे दिया गया है, और आपको बोला है a² + b² = क्या होगा। तो जब तक सॉल्व करोगे चुटकी में आंसर आएगा, भैया बोल चुके हैं इतना बराबर a² + b² होता है, तो 2 और 3 का स्क्वायर ये 4 और ये 9 यानी 13 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ ये चीज आप सभी को? क्लियर हुआ? एक एक चीज नोट कर लेना, एग्जाम में सवाल बनता है, और एग्जाम में अगर सवाल बहुत बार बना है और एग्जाम में अगर सवाल आएगा ना, आप कितने देर में कर कर आएंगे, कितने देर में आप बोलो अपने ईमान से, कितने देर में? भैया 15 से 20 सेकेंड में मार कर आएंगे। बहुत बढ़िया, आगे देखो एक बार, इसको मिटाता हूं मैं, इसको अब मैं मिटा रहा हूं ठीक है। बहुत सारे सवाल है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको अलग अलग टाइप के सवाल कराऊंगा। अभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूं कि सवाल बन कैसे रहे ठीक है। अभी कुछ हार्ड सवाल भी कराऊंगा, लेकिन आप उसको छोड़ देना, एक्चुअल में अभी डायरेक्ट मैं कराऊं ना तो आप बोलेंगे भैया थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। फिर भी आप एक एग्जाम्पल और ले लो इसके ऊपर, बहुत सारे सवाल बनते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना कराऊंगा ना कि आप बोलेंगे भैया पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अगर मैं एक सवाल लूं आप सभी के लिए यहां पर, 4 sin 4 theta, डरना मत मैं हूं आप सभी के साथ, +12 cos 4 theta = 3 दिया गया है ठीक है। और आपसे पूछा है इतना देने के बाद एक बात बताइए, tan theta के बराबर कितना होगा? ये चीज दिया गया है, यहां पर निकालना है। डर गए ना, डर लगा ना कि भैया अब क्या करें? अरे मैंने आपको तो समझा दिया है, करना क्या है, कुछ भी डरने की जरूरत है। देखो एक बार, आप सभी को पता है sin²θ + cos²θ = 1 होता है, ये तो सभी मेरे भाई बहन को पता है ना। अब एक बार देखो, ये तीन अगर नीचे आ जाए तो इसको एक बार ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/3 sin²θ ठीक है, ठीक है भैया, ये साइन 4 लिखा है, साइन स्क्वायर क्यों लिखे? अरे इस टर्म में एक बार लेकर आ जाएंगे ना तो चुटकी बन जाएगा सवाल चुटकी बन जाएगा। तो इसको इतना लिखे और इसको फिर sin²θ लिखे ठीक है, प्लस। अब 12/3 cos²θ ठीक है, स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आपका cos²θ = 1। अब एक बार चीज देखो, sin²θ + cos²θ = 1 होता है, भैया बोले हैं घोल कल पी जाओ, पी गए। अब देखो sin²θ, ये वाला और ये वाला बराबर 1 है, लेकिन भैया ये क्या है, ये भी तो है, अगर इसको 1 मान ले, इसको 1 मान ले, तो सिद्ध कर सकते हैं sin²θ + cos²θ = 1 होगा, क्योंकि इसका अगर 1 से गुना करें तो sin²θ ही रह जाएगा। अगर इसको 1 मान लिए हैं तो cos²θ × 1 cos θ रह जाएगा, बराबर 1 हो जाता है। तो इसको अगर 1 मान लिए तो एक बार थोड़ा दिमाग में आएगा कि इसको अगर 1 मान लिए हैं और इसको 1 मान लिए हैं तो sin²θ = क्या लिख सकते हैं, एक बार थोड़ा दिमाग लगा दीजिए जो भी मेरे भाई बहन हैं। तो ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा। तो sin²θ = ये हो गया, तो sin θ = क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 और ये 4 का 2 हो जाएगा।
साइन थीटा बराबर इतना आ गया, नहीं आया दोबारा समझाते हैं, बहुत जल्द फंसेंगे। इसको एक मान लिए, इसको एक मान लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये पलट जाएगा जब उधर जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। और ये स्क्वायर हटाने के लिए, वर्ग हटाने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, ऊपर में √3 और नीचे 4/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान इतना आ गया, साइन थीटा का मान आपका इतना आ गया, तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पलट जाएगा, इसको 4 मान लो ना, 12 में से 12 को 3 से भागा देंगे, डायरेक्ट 4 लिखो तो 4, लेकिन ये 1/4 होगा, लेकिन ये 1/4 होगा, तो कॉस थीटा के बराबर क्या होगा, 1/2, 1/2 होगा ना, 1/2, समझ में आया। 12 को 3 से भागा दिए 4 हो जाएगा, जब 4 उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर। तो कॉस स्क्वायर हटाने के लिए कॉस बराबर क्या होगा, 1/2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये √3/2 किसमें आता है साइन का, तो पहले नहीं दूसरे क्लास में समझा दिए, साइन 60 का मान है ये वाला, और ये cos 60 का मान है ये वाला, तो tan 60 का मान क्या होगा, √3। दूसरे क्लास में मैंने चार्ट बनाना आपको सिखा दिया है, वो भी बिना चार्ट देखे हुए। 100 में से 100 बच्चा बोलेगा भैया इतना काबिल बन चुके हैं कि चार्ट बनाकर फाड़ कर फेंक देंगे। अब वीडियो देख लेना, तीनों पार्ट का वीडियो आपको चैनल के नीचे मिल जाएगा, 1, 2, 3। तो tan 60 का मान क्या होगा, √3। अभी बिल्कुल मत डरो, आप बिल्कुल मत डरो, अभी तो बहुत लवली सवाल लाऊंगा, ये भी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट दिखाओ, वरना ये समय भी कट जाएगा, बुरा समय ज्यादा दिन के नहीं रहता, ये भी कट जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, बहुत सारे सवाल है इस कंसेप्ट के ऊपर, आगे मैं कराऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, जैसे जैसे दिमाग खुलेगा ना, सवाल ऐसा ऐसा खुलता जाएगा, दिमाग में बैठता चला जाएगा। लेकिन अगर दिमाग ही नहीं खुल रहा है, फिर हार्ड सवाल करा दूं ना, तो आप मुझे गाली देकर भाग जाओगे, इसीलिए हल्का हल्का दिमाग को खुलने दीजिए, सवाल मैं डालते जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको आपने देखा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, अगले कंसेप्ट पे थोड़ा आइए, तो आप सभी अगले कंसेप्ट पे थोड़ा आप सभी नजर डालना, जितने भी मेरे भाई बहन है अगले कंसेप्ट पर एक बार आप सभी नजर डालिएगा, देखो एक बार, जो भी मेरे भाई बहन है, अब देखो एक बार ध्यान से आप सभी, एक फॉर्मूला था आप सभी का, दिख रहा है ना यहां पर, 1+tan²θ बराबर sec²θ। इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं, तो आप बोल सकते हैं भैया आगे लेकर जाएंगे तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, इस टैन को उधर लेकर जाएंगे ना भैया, तो ये हो जाएगा sec²θ माइनस tan²θ बराबर 1। इसको और आगे लेकर जाएं तो a+a²-b² के फॉर्म में, तो a+b a-b होगा, ये भी क्लियर है, बस इतना समझो आप सभी। अब एक बार 2-3 की समझना है आप सभी को जान लगाकर, देखो एक बार, अगर ये sec है और ये tan है, ध्यान से समझना इस मेरी बात को, वरना जिंदगी भर बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा tan बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर, मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए बोले वो 3 क्लास देखना, फिर बोलना गाली देना भैया समझ में नहीं आ रहा, आप बोलेंगे समझ में आ रहा है, बस भैया हम पढ़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। देखो tan थीटा बराबर, tan का बराबर क्या होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं लंब बटा आधार, अब समझ में आ रहा है ना, इतना होता है। तो मैं बोलू sec के बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा भैया, h = b होगा, मतलब भैया कर्ण बराबर आधार होगा। अच्छा sec और tan यहां रिलेशन में वही है, sec और tan का,
यानी आधार का उतना कीमत नहीं है क्योंकि आधार दोनों में है। इसका मतलब यह होता है भैया जो सेक है ना उसमें कर्ण हाइपोटेन्यूस इंपॉर्टेंट है और जो टैन है ना भैया उसमें लंब इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे साथ बोलो आप सभी कि सेक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे सेक में कर्ण इंपॉर्टेंट है, और टैन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे टैन में भैया लंब इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ये चीज? आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार, सेक में कर्ण इंपॉर्टेंट है, टैन में लंब इंपॉर्टेंट है, यह चीज समझ में आया? मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं, बट साइड में लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं ताकि अभी सवाल कराऊंगा ना तो आपको समझना है। यह क्या हो जाएगा? दोनों में आधार तो आएगा ही आएगा, दोनों में आधार तो आएगा ही आएगा, लेकिन भैया एक बात बताओ आप सभी, यहां पर H होगा वहां पर P होगा। ये देख लो एक बार आप सभी, आप बोलेंगे टेन में P होता है, P का मतलब लंब, यहां पर वो भी लिख दे रहे हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। चलो देखो सवाल कैसे बनेगा, अगर मैं थोड़ा सवाल के ऊपर जाऊं। अब देखो एक बार एग्जाम में ना आप सभी से अगर बोल दे, मान लो यहां पर देखो ठीक है ये भी चीज क्लियर है 12, चलो मान लो एग्जाम में बोल दिया 13 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा बराबर 12 दिया गया है, साइन का मान बताना है आप सभी को, साइन थीटा बराबर क्या होगा? अब आप सोचेंगे, आपको सोचना है कि भैया अब क्या करेंगे, लेकिन आप देखते देखते बोलोगे इशारा इशारों में हो गया आंसर। कैसे? देखो एक बार, आप सभी को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना जी। तो आप sec के आगे कुछ भी लगा हो, सेक के आगे कुछ भी लगा हो, सेक के आगे कुछ भी लगा हो, वो है क्या सही मायने में? वो कण है, वो भैया हमारा एच है, ठीक है। टेन के आगे कुछ भी लगा हो, टेन के आगे कुछ भी लगा हो, वो सही मायने में क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी इसका मतलब ये क्या है भैया? ये लंब है। और आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होता है भैया, लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बाई H होता है। तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं? आंख बंद कर कर बोलेंगे 5/13, और होगा क्या? हलुआ 5/13 होगा भैया, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, 5/13। अगर यह चीज समझ में आया, 13 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा बराबर 12 है, तो sin थीटा क्या होगा? tan के आगे जो लगा रहता है वो P, और ये 13, और ये 12 क्या है भैया? अरे ये 12 ना आधार है, ये 12 क्या है? फोन आ रहा किसका? ये 12 क्या है? ये 12 आपका आधार है। इस चीज को आप सभी को समझना है, ये अगर कर्ण है तो ये लंब है, तो वो क्या हो? वो क्या है? बराबर आधार है। अभी और क्लियर करूंगा आप सभी को। अब आगे थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं। अब एक कंसेप्ट आप सभी को और समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। अगर मैं बात करूं आप सभी को sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, बराबर 4 दिया गया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? बताना है, अरे बताना है आप सभी को। आप बोलेंगे भैया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? याद रखना, याद रखना, बस पलट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे होगा अभी समझाएंगे। अगर कभी भी sec थीटा बराबर tan थीटा बराबर 4 दे और आपको एग्जाम में बोल दे इसका मतलब क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 1/4 होगा। अगर यहां पर 6 रहता तो यहां पर क्या होता? 1/6 होगा।
अगर यहां पर 8 रहता तो यहां पर क्या होता, 1/8 होता। यहां पर 4 था और इसका मान पूछे तो आप बोलेंगे 1/4। ये चीज पहले आप सभी ना नोट करते रहना, जितने भी मेरे भाई बहन है आप सभी जो है वो नोट करते रहना, वरना एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा। एक बात और, अगर मान लो ये नहीं दिया गया है, क्या बोले भैया ये नहीं दिया गया है और आपको एग्जाम में बोल देना tan थीटा बराबर बताइए, अगर मैं बोलूं sec थीटा बराबर बताइए, अगर बोले साइन थीटा बराबर बताइए, आप बोलेंगे भैया इतना दिया गया है और हमसे ये सब पूछ रहा है, क्या बात कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, देखो एक बार, सवाल एग्जाम में बस इतना दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 और आपको तीनों का मान बताना है, तब क्या करेंगे भैया। मैं हूं ना, ध्यान से सुनो, इतना दिया गया है तो मैंने आपको समझा दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और समझना, आप सभी, आपको sec निकालने के लिए बोला है, tan निकालने के लिए बोला है, sin निकालने के लिए बोला है, बच्चा का खेल है। देखो ये दिया गया था, अगर मुझे भैया sec थीटा मिल जाए माइनस tan थीटा मिल जाए, 1/4 होता है, तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं, tan कट जाएगा, 2 sec बराबर sec निकल जाएगा। उतना दिमाग मत लगाओ, मुझे सुनिए आप, अगर आपको दिया गया है a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है, मान लो a माइनस बी दिया गया है आपका 4 और ये दिया गया है 5, तो a का मान कैसे निकलेगा, a का मान या b का मान कैसे निकलेगा। अगर मान लो इसको हम 7 मान ले, इसको मान ले 3, तो अगर यही चीज तो है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी हम निकाल लेते हैं पलट कर, लेकिन यहां पर समझना, अगर a प्लस बी 7 दिया गया है, a माइनस बी 3 दिया गया है, तो a का मान कैसे होगा, ये प्लस ये 7 + 3/2, तो 7 × 3 = 10, 10/2, यानी a का मान 5 आ जाएगा। जब b का मान निकालने के लिए बोले तो घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 को 2 से करेंगे 2, समझ में आया। तो यहां से sec निकल जाएगा, tan निकल जाएगा, निकलेगा, अरे ये a है वो b है, अभी तो समझा चुके, तो ऐसे भी समझ जाओ, प्लस माइनस tan कट जाएगा, तो 4 + 1/4 = 2 sec थीटा, sec थीटा बराबर ये नीचे 2 चल जाएगा। वही चीज है a प्लस बी बट्टा 2, वही चीज है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि sec प्लस tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, sec थीटा मैंने इतना बराबर इतना दिया गया है, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा भैया, इन दोनों का जोड़, यानी 4 + 1/4 और बटा में दो। मैं बोलूंगा tan थीटा क्या होगा, तो इन दोनों का घटाओ, 4 - 1/4 / 2, समझ में आया। अभी साइन बताऊंगा कैसे बन कैसे रहा है, अभी ये देखो, इसको पहले आप सभी सॉल्व कर लो। एक बात और, tan का ऊपर वाला क्या होता है, tan का ऊपर वाला p होता है, sec का ऊपर वाला क्या होता है, sec का ऊपर वाला h होता है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे ओहो क्या बात है, p/h। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, अच्छा भैया 4 - 1/4 / 4 + 1/4। और एक चीज नोटिस करने वाला है, इसको सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे अभी, आप एक चीज नजर में डालो, अगर ये tan माइनस है तो ये प्लस हो रहा है, समझ रहे हैं, ये बस अंतर इतना है, नीचे 2 सम में आ रहा है, ये माइनस तो ऊपर प्लस। सॉल्व करते हैं, 4 × 16 = 16 - 1 कितना होगा, 4 × 16 - 1 = 15, 15/2 × 4 यानी 15/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 = 17/8 ये हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा साइन क्या होगा, तो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई एच,
तो 15/17 आंसर नहीं होगा साइन थीटा का। समझ में आया चीजना? मैं कर क्या रहा हूं? कुछ नहीं है। अभी सवाल देखो कैसे कैसे एग्जाम में सवाल बनता है, उसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, थोड़ा सवाल की तरफ जाते हैं। और ये चीज तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर एग्जाम में एक चीज और समझिएगा, अगर एग्जाम में बस इतना दिया गया है और आपसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोट्यूनिस, इसका मतलब भैया अगर इतना दिया है कुछ तीनों निकल जाएगा, फिर कोसेक टेन सेक कुछ भी बोले निकल जाएगा। टी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। बहुत बढ़िया। अच्छा इतना दिया गया है तीनों निकालना है, अगर तीनों निकल जाए तो भैया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसेक थीटा कुछ भी पूछो निकाल देंगे, क्योंकि भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल ये त्रिभुज के ऊपर ही तो सवाल बनता है। चलो निकालो एक बार, इतना दिया गया है ना भैया? अरे बिल्कुल इतना दिया गया है भैया, इतना दिया गया है ना, तो हमको पता है इसको माइनस टेन थीटा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। बहुत बढ़िया। सेक थीटा कैसे निकलेगा भैया? सेक थीटा में कुछ नहीं है भैया, इन दोनों को जोड़ेंगे और बट्टा दो करेंगे। चार चौके 16, एक 17/4 × 2 यानी 17/8, यानी सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार, यानी ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो इसके जगह पर 17 लिख दो, इसके जगह पर 8 लिख दो, और क्या करना है भैया? परपेंडिकुलर पता लगाना है। तो इन दोनों का लेस, क्योंकि हमको पता है 10 निकालने के लिए, इन दोनों का घटाओ 4 − 1/4, 16 − 1 = 15, ये हो जाएगा। निकला? कुछ भी निकाल सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, अभी सवाल देखना आगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे निकल रहा है। अगर मैं अगला स्टेप पर जाऊं और आप सभी को बोलूं एक चीज, एक बात बताइए, हां ये वाला, अगर आपको दिया गया है भाई sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, ठीक है ना, और आपको बोला क्या है निकालने के लिए? sin थीटा, बताओ। आ भैया 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 फंस गए भैया भैया हम लोग फंस गए भैया, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो sin थीटा कैसे निकालेंगे गुरुजी? देखो कुछ भी निकाल सकते हैं ना, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा भैया, आपने बता दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और tan में क्या आता है? tan में p आएगा, h किस में आएगा? तो h आएगा भैया sec में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? इन दोनों को जोड़ने पर भैया आता है sec। तो एक बार दिमाग में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कैसे कर लेंगे भैया? एक x प्लस 1/x/2, ये होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा आप बताओ? अरे भैया बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भैया, होगा। अरे बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सॉल्व करें क्या भैया? सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा करते हैं, पहले टैन बताइए भैया, टैन बराबर क्या रखा है? इन दोनों का घटाव है x − x/2। और कुछ किसी को समझना बाकी रह गया है इस सवाल में? एक बार मेरा सवाल का जवाब दे दो आप सभी। आप बोलेंगे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, इसको और तोड़ो भैया, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आएगा ना जी, और ये x का नीचे 2x हो जाएगा। यानी इसको पूरा क्या लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x।
अब बहुत जन को अभी समझ में नहीं आएगा ये किए कैसे, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, x का गुना x से किए हैं तो x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और नीचे में आधार में x जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x। इसको करे क्या करो भैया, x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। अच्छा अब तो भैया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भैया, sec में ये कण है, अरे क्या बात है, ये भैया आधार है। अच्छा tan में क्या है भैया, अरे भैया ये लंब है। अच्छा ये क्या है, आधार है। अच्छा भैया हमको इतना दिया गया था और ये पूछा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस चीज को sin थीटा बराबर x स्क्वायर, यहीं पर समझना है, यहां पर क्या हो कण लिख रहा हूं P होगा ना, यानी x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्लियर हुआ क्या। देखो सब क्लास बहुत लंबा जा रहा है, क्लास बहुत लंबा जा रहा है, फिर भी ये फोर्थ क्लास है, मैं प्रस्तली चाहता हूं थोड़ा सा क्लास लंबा हो, आप हड़बड़ाना बिल्कुल मत और प्रॉपर नोट्स रखना। इस लॉकडाउन में त्रिकोणमिति जो है मैं आप सभी को पक्का समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब मान लो आप सभी को अगर बोल दे, एग्जाम में बोल दिया जाए ना, देखो एक बार अगर एग्जाम में बोल दिया जाए sec थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x है, और आपको बोल दे sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या, अगर इतना दिया गया है तो इसका मान क्या होगा, अगर इतना दिया गया है एग्जाम में क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार नहीं कितना बार बन चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, sec का ऊपर वाला क्या होता है, sec का ऊपर वाला क्या होता है, आप बोलेंगे भैया कण होता है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 होगा, नीचे वाला आधार यानी ये 2x होगा, ठीक है, इसका मान पूछा है। अच्छा ये ऐसे ऐसे कब आ सकता है, अभी आपने सवाल देखा होगा इसके पीछे, तो आप बोल सकते हो भैया यहां पर x होगा, तभी भैया x ऐसे आता है और ऐसे आता है, अभी मैंने आपको दिखाया, तो अगर ये ऐसे है तो ये क्या होगा, ये होगा, ये ट्रिपलेट है, वो समझाएंगे अभी, उतना टेंशन मत लो आप सभी, वो तो मैं बाद में समझाऊंगा। तो इतना बराबर, इतना तो बोल सकते हो ना, अभी मैंने आपको दिखाया ये दो दो नीचे गुना होता है आधार में, अगर दोनों जगह दो गुना हुआ है इसका मतलब इसका मान कितना है, x है, क्लियर ना। तो आज क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, बार बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, ये चौथा क्लास है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आई होप आपको चार क्लास में एक एक क्वेश्चन पानी के तरह समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा शेयर कर देना। कुछ लोग बोलते हैं भैया शेयर करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे गांव इलाका में हम नहीं चाहते कि आपका वीडियो कोई देखे, छुपाने से क्या होगा यार, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से देख ही लेगा ना। तो ज्ञान बांटते चलो, आपने सुना होगा ना, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है।